नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा। बात करते हैं मार्केट्स की कल के लिए। यहाँ पे कुछ संकेत मार्केट हमें दे रहा है। मार्केट के सिग्नल्स को समझना बहुत ज़रूरी होता है अगर आप अच्छा ट्रेडर बनना चाहते हो। उसमें से कुछ संकेत मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ जो आपकी मदद करेंगे आने वाले दिनों के लिए। आज एक मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी में बहुत अच्छा ट्रेड मुझे इंट्राडे में मिला, जिसपे मैंने वीडियो भी रिकॉर्ड किया, लाइव उसको रिकॉर्ड किया। तो उसमें आज 20 रुपए की पुट 300-350 तक चली गई। उस वीडियो को आपने नहीं देखा तो ज़रूर देख सकते हो, इसके एंड में उसका भी लिंक आपके सामने आएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, यहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी की बात करने से पहले मैं आपको दिखाऊंगा हल्का सा यहाँ पे स्मॉल कैप 100 इंडेक्स। देखिए, एक जबरदस्त बुल रन में चल रहा था। इस बार जो बुल रन था उसका लीडर सेक्टर था स्मॉल एंड मिड कैप। स्मॉल कैप में देखो, जहाँ पे जो एक हाई लगाया उसके बाद एक फॉल आया था जबरदस्त, ये कोई नई बात नहीं है। ये टाइम टू टाइम इसमें सेलिंग आ ही रही थी, जैसे यहाँ पे आई, जैसे कि यहाँ पर आई और जैसे कि यहाँ पर आई। बट हर बार क्या होता था, जब भी एक सेलिंग आती थी ये निकल जाता था ऊपर एंड देन नया हाई बनाता था। यहाँ पर भी यही हुआ, निकल जाता था नया हाई बनाता था। बट इस बार पहली बार हमें संकेत क्या मिल रहा है, यहाँ पर एक लोअर हाई, ये गिरा है, चढ़ा है लेकिन यहीं पर रुक गया है। यहाँ पर एक बाउंडिप आया, बाउंस आया एंड देन अब ये गिर रहा है। एम पैटर्न भी बन रहा है, यहाँ पे एक बड़ा डबल टॉप भी बन रहा है। इसमें फर्स्ट सिग्नल है हमें लोअर हाई का मार्केट में, और जब ब्रॉडर मार्केट में वीकनेस शुरू होती है तो फिर वो इवेंचुअली बड़े बड़े जो हमारे स्टॉक्स हैं और इंडाइसिस हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी जैसे, उनमें भी ट्रांसफ़र होती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप अगर चाहें तो एक ट्रेंड लाइन भी इस तरह से बना सकते हैं। तो आने वाले दिनों में अगर इस ट्रेंड लाइन का ये ब्रेकडाउन करता है तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। और तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे आप चाहें तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट बनाकर देख सकते हैं। देखिए, ये इधर से गिरा था और इसका जो लो लगा लगभग ये लगा था, तो 61% रिट्रेसमेंट लेवल के आसपास ये कंसोलिडेट कर रहा है। एक फॉल आया है और उसके बाद बाउंस में ये 61% लेवल के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है। अगर ये यहाँ से कहीं से गिरता है तो दिस विल बी द फर्स्ट लोअर हाई एंड एक डबल टॉप जैसा पैटर्न, जो कि बाद में बाकी की मार्केट को भी नीचे लाने का काम कर सकता है। तो स्मॉल कैप में हमें एक संकेत दिया है आज की मार्केट क्या शायद बेंड कर रही है, क्या मार्केट में यहाँ पे थोड़ी सी डिफिकल्टी हो रही है ऊपर बढ़ने में, और क्या मार्केट थोड़ा सा करेक्ट करना चाहती है बिफोर इट मेक्स अ फ्रेश न्यू हाई अगेन। यहाँ पे निफ्टी में भी आप देखोगे कि एक ब्रेकआउट आया था राम मंदिर वाली डेट का, 22124 का, उसके नीचे आज हम वापस आ गए हैं 22122 पर। तो यहाँ पे मार्केट ऊपर तो गई है बट यहाँ पे कंसोलिडेट जरूर कर रही है, बट ऊपर नया हाई नहीं बना पा रही है। तो जब तक निफ्टी इस रीसेंट हाई को ब्रेकआउट ना करे, लगभग 22300 के ऊपर ना निकले, यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत रहेगा। और अगर मार्केट यहाँ से नीचे आने लगती है तो निफ्टी में भी आप इस तरह से एक ट्रेंड लाइन बना सकते हो। आने वाले दिनों में आप देख सकते हो कि मार्केट इस ट्रेंड लाइन तक तो एटलीस्ट आ ही सकती है। वहाँ से ब्रेकडाउन आता है तो बड़ा करेक्शन आएगा, अदरवाइज देन मार्केट प्लान आउट कर सकती है ऊपर जाने के लिए। तो यहाँ पे थोड़े से संकेत मिल रहे हैं। दोस्तों, मैं एक डायमंड मेंबरशिप लेकर आया हूँ जिसमें मैं हर दिन ये जो आपको वीडियो बना रहा हूँ इससे कहीं ज़्यादा डिटेल्ड वीडियो अपने सेटअप्स के साथ दिखाकर, कहाँ पे क्या ट्रेड लेना है कैसे है, एंड देन बहुत सारे अपडेट्स, वीकेंड्स पे क्लासेस इवेंट, और हमारी परसों भी क्लास थी सैटरडे को। देखिए, यहाँ पे मैं इन लोगों के लिए वीडियो बनाया और ये वीडियो कहीं लंबा है, लगभग 15-16 मिनट का है, जिसमें एक एक चीज़ डिटेल में बात की है निफ्टी की, बैंक निफ्टी की। आप चाहें तो इसको ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, वेब का भी और मेरे मोबाइल ऐप का भी, कहीं से भी उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो आपको बहुत अच्छा वहाँ पे जानकारी मार्केट के बारे में मिलेगा। तो देखिए, यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट में ट्रेंड बेंड होने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे अभी भी कुछ बहुत ज़्यादा फॉल नहीं आया है, ऑल टाइम हाई के हम काफ़ी करीब हैं। बट अगर ये थोड़ा सा यहाँ पे कोई बड़ा कैंडल सेलिंग का आ जाता है आने वाले दिनों में, जो किसी तरह की ट्रेंड लाइन वगैरह का ब्रेकडाउन लाता है, तो चीज़ें खराब हो जाएगी। तो थोड़ा सा कॉशियस रहिए। अगर मार्केट गैप अप वगैरह खुल के ऊपर निकल रही तो ओके है, बट अगर गैप डाउन खुल रही है या कोई सेलिंग आते हुए दिख रही है आपको, या आपको ब्रॉडर मार्केट में स्मॉल मिड कैप में वीकनेस दिख रही है, तो यहाँ पे थोड़े से संकेतों को समझिए मार्केट के, मार्केट क्या कहना चाह रही है। मार्केट थोड़ा सा यहाँ पे शायद बेंड कर रही है। सिमिलरली आपको मैं हल्का सा ब्रीफली बात करूँगा बैंक निफ्टी की। देखिए, बैंक निफ्टी भी यहाँ पर जिस लेवल के ऊपर ब्रेकआउट किया था उस लेवल पर वापस आ गया। ब्रेकआउट करने के बाद ऊपर से लगातार सेलिंग चल रही है, तो यहाँ पर हम उसी लेवल के आसपास आ गए हैं जिसके ऊपर हमने ब्रेकआउट किया था। यहाँ से अगर नीचे आते हैं तो ये ब्रेकआउट फेलियर हो जाएगा। ब्रेकआउट फेलियर के बाद जनरली हम ब्रेकडाउन का अटेम्प्ट करते हैं, मैंने पहले भी बताया अपने चैनल पर। तो ब्रेकडाउन के लिए हमें इधर कहीं पर आकर ब्रेकडाउन करना पड़ेगा, जो कि चीज़ों को काफ़ी गंदा कर देगा, अगली कर देगा मार्केट में लॉन्ग पोजिशन वालों के लिए। यहाँ पर फिर बैंक निफ्टी में फॉल बड़ा भी बन सकता है। तो यहाँ पर अगर आप बाइंग साइड पर बैठे हैं तो यहाँ पर थोड़ा सा सावधान हो जाइए, हेज कर लीजिए अपने पोर्टफोलियो को। अगर आप सेलिंग करना चाहते हैं तो कुछ लेवल्स, जो कि अगेन मैं आपको ब्रीफली यहां पे बता रहा हूं, डिटेल में डायमंड मेंबर्स के साथ विद सेटअप शेयर करता हूं,
उनके ऊपर नज़र रखिए। अगर वो लेवल्स टूटते आने वाले दिनों में तो आप अच्छे खासे प्रॉफिट्स में जा सकते हैं शॉर्ट करके मार्केट को थ्रू ऑप्शंस। एंड कौन से ऑप्शन लेने अच्छे हैं, किस तरह से काम करना है, कौन सा सेटअप पे ट्रेड करना है, ये सब भी मैं टाइम टू टाइम वहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ एंड सिखा भी रहा हूँ सभी मेंबर्स को। तो आप भी मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। ये वीडियो के लिए इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। हरे कृष्णा, बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।